असलम जी आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे हाँ जैसा आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट टेंट्स और अगर किसी को नहीं पता है कि लिपन चीक टेंट्स या लिपन चीक जो स्टेन्स होते हैं ये क्या होते हैं तो आपको बता देती हूँ मैं ये बेसिकली बस लिक्विड सा पिगमेंट होता है जो आप अपनी cheeks पे और अपने लिप्स पर और कुछ लोग उसको आइज पे भी यूज़ कर लेते हैं तो आप कर सकते हो बस एक समझो आपका क्विकली आपका एक गो टू मेकअप हो जाता है तो वो आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ और आपको इसका रिव्यू भी दूंगी क्विक समय कि कौन सी वाली ज़्यादा स्टे करती है किसके क्या चीज़ बेस्ट है कौन सी अच्छी नहीं है प्राइस क्या है शेड्स कौन से सब कुछ शेयर करूँगी और इसके अलावा सारे बजट के अकॉर्डिंगली इसमें चीज़ें हैं इसमें कुछ टेंट्स जो हैं टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड तक की भी हैं और इसमें फोर हंड्रेड तक की भी हैं और अराउंड थाउजेंड या एट हंड्रेड तक की भी हैं तो जो आपको बटर लगे आप अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इंड द वीडियो हाँ जी सो द फर्स्ट वन दैट आई एम गोइंग टू शो यू इज माय मोस्ट 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 फेवरेट टेंट जो कि मैंने अभी रिसेंटली बाय की थी लेकिन आई मीन लव विद इट आई कॉन्ट लिव विदाउट इट मैं इसको यूनिवर्सिटी जाते हुए लगाती हूँ बस मेरे पास एक ये चीज़ होती है एंड दैट्स एट ओके जी सो so जिसकी इतनी तारीफें मैं कर रही हूँ यह है मेकअप रेवोल्यूशन की बेबी टेंट दैट इज लिप एंड चीक टेंट और इसका शेड में अगर आपको बताऊँ सो इट इज कोरल सी ओ आर ए एल और इसके जो प्राइस हैं वो नाइन 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 लिखे हुए दराज पे नाहद पर हर जगह बट मैंने ये बैक गलरी से ऑर्डर की थी जब वहाँ पे क्लियरेंस सेल लगी थी और उस टाइम मुझे मिली थी सेवन फिफ्टी या एट हंड्रेड रुपीज़ की तो सेल से सेवाई कीजिएगा आप लोग भी अच्छा देर इज़ अ सॉलिड रीज़न कि ये मेरी फेवरेट क्यों है मोस्टली ट्रिन वाटर बेस्ड होती हैं और वो जब आप ड्रॉप लगाते हो तो उसका स्टेन सा बन जाता है और ब्लेंड होने में इशू करती हैं प्लस सब ट्रिनट्स मुझे सेम लगती हैं एक जैसी बट दिस हिट्स डिफरेंट एंड ये इसलिए क्योंकि इसका टेक्सचर थोड़ा ग्लॉस वाला है आप जब इसको चीक्स पे लगाते हैं तो इसे लगता है अपना हाईलाइटर भी लगा लिया है और बिल्कुल नेचुरल ग्लो आता है लिप्स पे बिल्कुल ग्लॉस की तरह ना काम करता है बट एट द सेम टाइम इट्स अ टेंट क्योंकि ब्लेंड बहुत अच्छी होती और है और मैं इसको रेटिंग दूंगी नाइन पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन पॉइंट फाइव इसे डिडक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा मतलब चार पाँच घंटे बाद थोड़ा सा फेड होने लग जाता है थोड़ा सा हटने लग जाता है बट मेरे हिसाब से ये मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है क्योंकि इतनी छोटी सी तो ट्यूबेस इसकी आई मीन बॉटल है आप इसको बैग में रख सकते हो और री कर सकते हो एंड चार पाँच घंटे इज़ अ गुड परफॉर्मेंस टाइम ओके जैसे नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट इज फुकेलेर के स्टे मैक्स चीक एंड लिप एंड ट्वेल्व ग्राम की इसमें ट्यूब होती है पैकेजिंग इज अमेजिंग बैद है फुकेलेर के सारे ही पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है मैं इससे पहले भी ये दिखा चुकी हूं आई गैस और इसका शेड नंबर है जीरो टू पंप लेंटर्न और इसके पाकिस्तान में प्राइस है फोर हंड्रेड सेवेंटी सिक्स जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली है और अंदर से कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं पैकेजिंग इज़ क्वाइट प्रटी अच्छा इसका सोच मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर आप देख लो अच्छा ये थोड़ा सिमिलर है पहले वाले शेड से जो मैंने अभी आपको दिखाया था एक्चुअली मुझे ऑरेंज पीच ट्रेंड्स बहुत पसंद हैं और अगेन इसका भी वाटरी टेक्स्चर नहीं है बहुत लिक्विड नहीं है थिक्स है और ब्लेंड बहुत स्मूथली होती है स्टेन नहीं छोड़ती है लेकिन इसका सेम वही इशू है पहले वाले की तरह कि पाँच घंटे मैक्सिमम परफॉर्मेंस है इसकी उसके बाद फेड होने लग जाती है हल्की होने लग जाती है सो so यस yes, अब मूव ऑन करते हैं अपनी थर्ड टेंट के ऊपर ओके सो ये वाली है ईशा ऑर्गेनिक्स की लिप एंड चीक स्टेन्स लिप एंड चीक टेंट्स और ये मुझे प्यार आया था मुझे ये आया था आई थिंक टू मंथ्स पहले तो तब से आईव ट्राइड दैम और मैं आप सब रिव्यू शेयर कर रही हूँ और सॉच दिखा रही हूँ तो ये इसमें जो फर्स्ट वाला शेड है ये पिंकिश शेड है और आप इसके अंदर से बॉटल देख सकते हैं बिल्कुल सिरम की बॉटल की तरह है और कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर ड्रॉपर्स है इसकी थोड़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी है बट बेस्ट थिंग है इसके ये ब्लेंड अच्छी होती है यानी बहुत ही स्मूथली ब्लेंड होती है ग्रीसी टेक्सचर है क्योंकि इसका स्टेन नहीं बनाती है तो ये फायदा है इसका बाकी इसके अलावा परफॉर्मेंस इसकी हाँ अच्छी है सेवन टू एट आवर्स तक लगी रहती है बाकी हाँ इसका पिगमेंट थोड़ा सा कम है अभी आप थोड़ी वीडियो के लास्ट में देखना थोड़ा सा शेड इसका लाइट हो जाता है तो पिगमेंट हाँ इसका कम है बस एक ये इशू है इसमें बाकी इसके अलावा आप स्वाच देख लो पिंक वाली का ये कुछ इस तरह से इसका शेड दिखता है क्यूट सा पिंक कलर है अगर आप घर पर हो या कहीं जा रहे हो आपको रैंडमली बस गो टू मेकअप करना है तो बस ये टेंट आप लगा लो नेचुरल सा लगता है ये अच्छा इसके अलावा मूव ऑन करते हैं इसकी ही नेक्स्ट वाले शेड पर जो कि है ये वाला ईशा ऑर्गेनिक्स का रेडिश लिप स्टेन अच्छा मैंने आप लोगों को प्राइस नहीं बताए थे तो इनके जो प्राइस हैं थ्री एटी फाइव ईच है जो कि बहुत रीजनेबल है फॉर द क्वांटिटी अच्छा सो तो ये वाला है रेडिश वाला आप इसका स्वाच यहाँ पे देख लो रेडिश शेड है बस इसका पिगमेंट थोड़ा सा कम है अच्छा सो तो नाउ लेट्स मूव ऑन तो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एंड विच इज़ एट्यूड का डियर डार्लिंग टेंट काफ़ी फ़ेमस टेंट है बाय द वे ये और इसके प्राइस इफ़ आई रिमेंबर हाँ इसके नॉर्मल प्राइस uh, थाउजेंड रुपीज़ होते हैं बट काफ़ी सारी वेबसाइट सेल लगाती रहती हैं एवोडोर है uh, विगाज है बिग गैलरी है इसके अलावा नाहिद है तो वहाँ पर आराम से आपको सेवन फिफ्टी एट हंड्रेड तक की आराम से मिल जाएगी और इसका जो शेड मेरे पास है लेट मी टेल यू इट इज़ आर डी थ्री जीरो एट ये सबसे ज़्यादा रेडिश शेड है इनका और ये मैंने इसलिए बाई की क्योंकि मोस्टली मेरे पास पिंक पीच है तो मैंने कहा रेड भी ट्राई करनी चाहिए है। और ये वाली ट्रेंड बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है देखिए इसकी इस तरह से अंदर से आप देखते हैं तो कुछ आइसक्रीम पॉप्सिकल वाली इसकी जो शेप है काफी क्यूट लगती है और इसका स्वॉच मैं आपको ये दिखा रही हूँ शेड आप देख सकते हैं बहुत डार्क डीप रेड है और इसका ये सीन है कि अ लिटिल गोस अ लॉन्ग वे क्योंकि बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी साइज होती है इसकी आपको यानी बिल्कुल थोड़ा सा आप ड्रॉप यूज़ करोगे तो आपकी चीक से भी लग जाएगा आपकी आई से भी लग जाएगा और आपका लिप्स चेन भी सही से लग जाएगा और ज़रूरी नहीं आप ये रेड वाली बाय करें काफ़ी सारे और भी शेड्स आते हैं यू कैन ट्राई देम टू और ये वाटर जेल टेंट है तो ये बिल्कुल वाटर बेस्ड भी नहीं है अगर आप बहुत देर लगा छोड़ देते हो तो स्टेन नहीं बनता है और ब्लैंड बहुत अच्छे से होती है अच्छा जी सो अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्यूट सी बल्ब वाले टेंट ये मैंने क्यों बाय की थी क्योंकि बस मुझे ये क्यूट लग रही थी और एस्थेटिक लग रही थी इसलिए मैंने ख़रीदी थी लेकिन अब मैं इस वीडियो में आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है अच्छा प्राइस मैं आपको बता दूँ इसके पहले मैंने ये लोकल मार्केट से बाई की थी अपने नियर बाय और वहाँ से मैंने ली थी सौ रुपये की मतलब सौ रुपए ईच टेंट के थे और इसकी परफॉर्मेंस सच्ची बहुत अमेजिंग है अब मैं आपको कुछ ऑनलाइन लिंक भी नहीं दे सकती मैं आपको बता भी नहीं सकती ये कहाँ मिलेगी बस अपनी नियर बाय मार्केट में चेक करना अगर ऐसी बल्ब की शेप में कुछ टेंट्स दिखती हैं तो शायद वो यही होंगी अच्छा जी तो सबसे पहले ये वाली है ऑरेंज वाले टेंट इसका मैं सोच आपको दिखा रही हूँ बस इसका एक ही इशू होता है कि इसको फौरी तौर पर ब्लेंड करना होता है वरना ये स्टेन बना देता है लेकिन ये पिगमेंट बहुत अच्छा है मतलब बहुत देर तक लगा रहता है एटीटूड के बाद सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग यही वाले टेंट है मतलब ऑलमोस्ट दस से बारह घंटे तो कहीं नहीं गए और जब ये ड्राई हो जाता है ना तो प्रॉपर लिपस्टिक की तरह लगता है तो बस यहाँ पे की है कि यही है अगर आपने इसको सही से ब्लेंड कर लिया तो बेस्ट है अगर नहीं किया तो वो स्टेन लगा रह जाएगा पर हटेगा नहीं बहुत देर तक तो बस ब्लैंड के अलावा बाकी ओवरऑल ये काफ़ी ज़बरदस्त है इसके बाद ये नेक्स्ट वाली इसी का दूसरा शेड है ये डीप रेड टाइप का शेड है इसका भी आपको दिखा देती हूँ सॉच क्वालिटी सब कुछ बिल्कुल सेम है काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग है परफॉर्मेंस अच्छी है बस आपको ब्लेंड अच्छे से करना होगा हाँ जी सो आप बारी है लास्ट ट्रेंट की जो कि द वे मैंने सबसे पहली ट्रेंट अपनी बाई की थी वो है ये। अच्छा सो तो ये है बेनिफिट की बेनेट ट्रेंट लेकिन ये ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं है ये कॉपी है कॉपी भी नहीं मतलब फेक प्रोडक्ट है उसका ये मैंने बाई की थी टू फिफ्टी की शायद अभी कुछ एक साल पहले बाई की थी मैंने लेकिन अभी आपको थ्री हंड्रेड तक ये आराम से मिल जाएगी और इसमें क्वांटिटी क्वान्टी खासी होती है आप देख सकते हैं काफ़ी सारी क्वान्टिटी इसमें है बिल्कुल वाटर बेस्ड है ये स्टेन बना देती है यहाँ ये शू है इसका अगर आप लगा के ब्लेंड करने का वेट करोगे तो वहाँ पर स्टेन बन जाएगा और फिर हटेगा नहीं बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग तो है डेफ़िनेटली पिगमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ब्लैंड इतने अच्छे से नहीं होती है लेकिन अगर आप बिगनर हो और आपका बजट थोड़ा कम है तो फिर आप ये बाय कर सकते हो लेकिन इसका मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपको बता दिया है अच्छा जी सो ये थी सारे टेंट्स जो कि मैंने आपको दिखाई हैं पिक्चर अटैच कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर इमेज दिखे कि शेड्स कैसे हैं सारे शेड्स बहुत अच्छे हैं फेस पे सारे बहुत अच्छे लगते हैं जो टेंट्स बुरी लगती हैं वो मैंने वीडियो में दिखाई नहीं है सो यस दैट वज़ इट फॉर टू वीडियो आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज़ एंड आप सभी मुझे बताइएगा कि आपकी फेवरेट ट्रेंट कौन सी है जो कि आप डेली यूज़ करते हो एंड फॉर नाउ अल हाफिज़ आप सब अपना ख्याल रखिएगा